नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप है बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में तीन सबसे अमीर प्रत्याशी के नाम। बिहार में सातवें चरण के 8 संसदीय सीटों के 37% उम्मीदवार करोड़पति है। अधिक संपत्ति के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा पहले स्थान पर है। पाटलिपुत्र से उम्मीदवार श्री शर्मा के पास सर्वाधिक 1,107,58,33,190 रुपए की चल अचल संपत्ति है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय रमेश कुमार शर्मा सबसे अमीर उम्मीदवार है। उनके हलफनामे से यह जानकारी मिली है। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रमेश कुमार शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार है। कुल संपत्ति के साथ ही पाटलिपुत्र से निर्दलीय प्रत्याशी और सातवें चरण ही नहीं, इस लोकसभा चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा सातवें चरण के प्रत्याशियों पर जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यही नहीं, वर्ष 2002 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रत्याशियों को संपत्ति बताना अनिवार्य करने के बाद देश के तीसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। NDR ने सातवें चरण की 59 सीटों पर खड़े 918 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण से यह रिपोर्ट तैयार की है। रमेश शर्मा 2 दशक में तीसरे सबसे अमीर प्रत्याशी है। लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 2002 में किए संशोधन के तहत मतदाताओं को यह अधिकार है कि वे चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की संपत्ति और इसके साथ ही उन पर दर्ज केस की जानकारी ले सकते हैं। यह जानकारी प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में देनी होती है। गलत शपथ पत्र देने पर सजा का प्रावधान है। शर्मा के पास 9 वाहन हैं। इनमें फॉक्स बेगन, जेटा, होंडा सिटी और ओप्टा सेवरले शामिल है। इसके साथ ही शर्मा ने अपनी कुल चल संपत्ति 7,08,33,190 बताई है। रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर पटना साहिब से प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा है। इनके पास 193,54,59,756 रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं राजनीतिक विकल्प पार्टी के जहानाबाद से उम्मीदवार अरविंद कुमार के पास 91,20,02,858 रुपए की संपत्ति है। वहीं इस चरण में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति की बात करें तो 11.31 करोड़ रुपए है। 66 उम्मीदवार कर्जदार भी हैं। तो ये 7 चरण के 3 सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।